नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त। कैसे हैं आप लोग? पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। भगवान आपके मेरे घर के सभी पितरों को बहुत सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनका जीवन अगला जीवन बहुत ही खूबसूरत हो और हमारे पितर हमसे सदैव खुश रहें, उनका आशीर्वाद हमारे परिवारों पर बना रहे। हम जो दो मिनट के उपाय की सीरीज़ आपको बता रहे हैं पितृपक्ष में, उसमें आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं आपको हर रोज़ बता रही हूँ कि इन उपायों को आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, इन उपायों को आप सूतक और पातक में भी कर सकते हैं, इन उपायों को आप अगर अभी ना कर पाए तो हर महीने की अमावस पर भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी से अपने घर में करवा भी सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोटिव ये है कि करें ज़रूर, क्योंकि 100 वर्ष पुराना पितृ पक्ष के समय पे किया गया ये उपाय 100 वर्ष पुराना पितृ दोष भी खत्म करेगा और आपके पितर आपसे चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, आपको आशीर्वाद देने के लिए वो एकदम तत्पर हो जाएंगे और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आज आप दही ले लें कटोरा और उसमें छोटे छोटे रसगुल्ले अपने हाथ से छुपा दें, दबा दें। एक छोटा सा बर्तन लेके कटोरा भरकर दही हो, दही बाज़ार का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, रसगुल्ले छोटे छोटे जो बाज़ार में मिलते हैं उसमें छोटे छोटे रसगुल्ले दबा दीजिए। फिर पूरा का पूरा परिवार इस दही के अंदर अपना अंगूठा बिल्कुल भिगो दे, अपने अंगूठे से छुए, और उसके बाद आपकी जो भी परेशानियाँ हैं मन ही मन में, परिवार के सभी लोग अपनी परेशानियाँ अपनी तकलीफें अपने पितरों से उस कटोरे की तरफ देखकर बोले, जैसे वो कटोरा नहीं आपके स्वतः जो अपने पितर हैं वो हैं। उसके बाद घर का कोई भी एक व्यक्ति बाहर जाकर किसी भी कुत्ते को इसे खिला दे। अब काले रंग का कुत्ता, नीले रंग का कुत्ता ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कुत्ते को ये खिला दीजिए। जब कुत्ता ये खा रहा हो अपनी मन ही मन में हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम कीजिए, उसे अपनी परेशानियां मन ही मन में बोलिए। अगर हो सकता है आपके इस अंगूठे के लगाए हुए दही को जो आपके परिवार के सब लोगों ने लगाया कुत्ता छूकर सूंघकर छोड़ दे तो मन खराब मत करिएगा, ये एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन आज नहीं तो कल आपने एफर्ट तो किया, जैसे आपका एक नाराज़ दोस्त है, आप उसके घर गए और तोहफा लेके गए, उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, आपके मुंह पे मार दिया, पर आपके मन को तसल्ली मिलेगी कि मैंने कोशिश तो की। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, अगर कुत्ता खा ले तो बहुत अच्छी बात, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं आप, ना खाए तो भी कोई बात नहीं। घर लौट कर वापस आएँ और आने के बाद पितरों की तस्वीर के सामने खड़े होकर पितरों को प्रणाम करें और उनकी तस्वीर के सामने धूप ज़रूर जलाएं। इतना सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल जाए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को भेजिए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।